वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एल्गी के क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करते हैं। एल्गी के लिए जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले एफी फ्रिश ने दिया था, और एफी फ्रिश ने इस वर्गीकरण के बारे में अपनी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में बताया। फ्रिश ने एल्गी को पिगमेंट के आधार पर 11 क्लास में डिवाइड किया था। सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर जो बेसिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, कैरोटीन अल्फा एंड बीटा कैरोटीन होता है। फ्रिश ने क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर में डिवाइड किया था। रिजर्व फूड की बात करें तो वो इसमें स्टार्च है, ठीक है। क्लास सेकंड की बात करें जेंथोफाइसी, तो इसे येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड ई होता है, और साथ में इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। जो जेंथोफाइसी का रिजर्व फूड है वो ऑयल और ल्यूकोसिन है। इसे 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास थर्ड की बात करें क्राइसोफाइसी, इसे गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी इनके पिगमेंट होते हैं, और कैरोटीन के अंदर इसमें फ्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन होता है। इसे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, और क्राइसोफाइसी का रिजर्व फूड क्राइसोलैमिनरिन होता है। क्लास फोर्थ की बात करें बेसिलेरियोफाइसी, इसे डायटम के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसका पिगमेंट है। डायटोजेंथिन जो है वो इसमें जेंथोफिल पाया जाता है। इस बेसिलेरियोफाइसी को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास फाइव की बात करें क्रिप्टोफाइसी, इन्हें क्रिप्टोमोनिड्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें होता है, और जेंथोफिल इनमें एलोजेंथिन होता है। 2 ऑर्डर को शामिल किया गया है, क्रिप्टोमोनेडल्स और क्रिप्टोकोकल्स। क्लास छः की बात करें डिनोफाइसी, इन्हें डाइनोफ्लेजलेट भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इनमें पिगमेंट होते हैं। जेंथोफिल की बात करें तो डाइनोजेंथिन, डाइडिनोजेंथिन, पेरिडिनिन इनमें जेंथोफिल पाए जाते हैं। इसे 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास सेवन की बात करें तो क्लोरोमोनेडिनी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, और जेंथोफिल इसमें ल्यूटीन प्रेजेंट होते हैं। इनका रिजर्व फूड ऑयल होता है। इसे 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। क्लास 8 की बात करें तो यूग्लिनोफाइसी, इन्हें यूग्लिनोइड्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनका पिगमेंट है, और जेंथोफिल इनमें नियोजेंथिन प्रेजेंट होता है। इसे भी 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। रिजर्व फूड इनका पैरामाइलम होता है। क्लास 9 की बात करें तो फियोफाइसी, इसे ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनके अंदर जो ये ब्राउन कलर है ये फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल के कारण होता है। इसे 9 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास 10 की बात करें रोडोफाइसी, इसे रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, और इनमें जो इनका रेड कलर है वो फाइकोबिलेंस आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है, और इनमें क्लोरोफिल जो है वो ए एंड डी प्रेजेंट होते हैं। इसे 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इनका रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लैजेला इनमें अनुपस्थित होते हैं। क्लास 11 की बात करें साइनोफाइसी, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, मिक्सोफाइसी भी इन्हें कहा जाता है। इनमें भी फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। इसे 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, और इनका रिजर्व फूड साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। और इन सब क्लास के अलावा, ये तो 11 क्लास है, इन 11 क्लास के अलावा फ्रिश ने एक बारहवीं क्लास जो है वो निमेटोफाइसी जो थी वो बनाई थी, जिसमें उन्होंने जितनी भी फॉसिल्स एल्गी है उन सबको रखा था। इसके अलावा बाकी का जो कंटेंट है उसके लिए आप पीडीएफ को रीड आउट करें। थैंक यू।